हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल फाइन आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कहा गया है कि इसका इसका और इसका वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंपल मेथड से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसका यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड के अंदर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन को मैं पहले फॉर एग्जांपल इस पहले वाले क्वेश्चन को सिंपल मेथड से बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज़ करके हम लोग ऐसे कठिन दिखने वाले क्वेश्चंस का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने ये है, तो इसको हम लोग सिंपल मेथड से अगर बनाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1 × 2, 2, फिर 1/2 = 6, फिर 1/3 = 12 प्लस 1/4 = 20 प्लस 1/5 = 30, ठीक है। उसके बाद हम इन सभी नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे। इन सभी नंबर का एलसीएम जो हम फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी नंबर का एलसीएम 30 × 2 = 60 आएगा, ठीक है। तो 60 आएगा एलसीएम, तो हम लोग सभी नंबर का डिनोमिनेटर 60 करेंगे, मतलब 2 × 30 = 60, तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 6 × 10 = 60, तो 1 × 10 = 10, फिर 12 × 5 = 60, तो 1 × 5 = 5, 23 × 60, तो 1 × 3 = 3, और फिर 32 × 60, तो 1 × 2 = 2, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास आ गया है, और इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो सभी को ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, 30 × 10 = 40 = 45 × 3 = 48 × 2 = 50 50 / 60 = 5/6। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसको देख के ही बाकी ये दोनों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि लास्ट वाला जो यहाँ टर्म है उसमें डिनोमिनेटर है 5 × 6, और हमारा जो आंसर आया है वो आया है 5/6। तो यही ट्रिक है जिसका यूज़ करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो लास्ट वाला टर्म होगा उसमें जो छोटा वाला नंबर होगा वो हो जाएगा न्यूमरेटर, और बड़ा वाला जो नंबर होगा यानी इससे एक बड़ा होगा वो हो जाएगा डिनोमिनेटर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5/6। इसी तरह इसका वैल्यू हो जाएगा 9/10, क्योंकि डिनोमिनेटर में नीचे लास्ट टर्म में 9 और 10 है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है लास्ट वाले टर्म में, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 9/10। उसी तरह इस वाले क्वेश्चन का वैल्यू हो जाएगा 99/100। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इन जनरल इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इन जनरल फार्मूला हो जाएगा इसका ये जो कि आपके सामने है। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू फाइंड करने के लिए इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, और इस ट्रिक का यूज़ करके हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो शुरू होगा 1 से शुरू होगा, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है 1 × 2, 2 × 3, ये कंसेक्यूटिवली रहेगा और 1 से ही शुरू होगा, तो ही ये ट्रिक यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।